देखिए पनीर रेसिपी, पनीर तहरी की रेसिपी स्टेप बाय स्टेप, वीडियो मिस ना करें और बिल्कुल स्वास्थ्यवर्धक बिना तेल मसाला का व्रत के पारण में बनाइए और लजीज व्यंजन का लुफ्त उठाइए। इसको गार्निश करने के लिए हम थोड़ा सा सूखा रख लिए थे सब्जी, तो ऊपर से हम इसको गार्निश कर देंगे। इसी पर हम डाल देंगे दो चार दाना अनार का और स्वाद लेकर खाइए आप लोग मस्त होकर। इसका कॉम्बिनेशन हम ले लिए हैं आप लोग के लिए, रायता और पनीर कैप्सिकम का सादा सब्जी, जो मेरा फेवरेट सब्जी है ये, बिल्कुल आप लोग के लिए। तो कैसी रही ये रेसिपी ज़रूर हमको कमेंट करके बताइएगा और हाँ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, खाइएगा ज़रूर, बहुत ही लजीज स्वादिष्ट सादा सब्जी, न पेट में जलन न गले में जलन। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका पूनम सिंह रेसिपी में। तो आज अपनी रेसिपी में बना रही हूँ मैं भेज तहरी पनीर वाला। तो उसके लिए हम कढ़ाई गर्म कर लिए हैं और इसमें हम डालेंगे शुद्ध घी। ये है व्रत के पारण का तहरी, आप हमेशा घी में बना कर खाएं, सॉफ्ट मुलायम रहता है। ये रेसिपी हमारी सासू माँ ने हमको बताया था, तब से मैं जब भी व्रत करती हूँ यही रेसिपी बनाती हूँ। वेज पनीर तहरी के लिए ले लिए हैं हम एक छोटा सा शिमला मिर्च काट लिए हैं बारीक लंबा, पनीर हम ले लिए हैं 50 ग्राम, एक टुकड़ा है गाजर का, हरी मिर्च दो हम बारीक काट लिए हैं, छोटा सा अदरक क्रश कर लिए हैं, एक टमाटर और एक प्याज हम काट लिए हैं। तो सबसे पहले हैं हम अदरक डालेंगे तेल घी में, घी गर्म है ही, इसमें हम डाल देंगे अदरक और हरी मिर्च डाल देंगे, इसको हम मिला देंगे। इसी में हम एक चम्मच जीरा डाल देंगे, जीरा हम पीछे इसलिए डाले हैं क्योंकि हमको जीरा को ब्लैक नहीं करना था, केवल सिंपल ब्राउन करना था, तो ये साथ में अच्छी तरह से ब्राउन हो जाएगा। आपके पास अगर तेज़पत्ता हो तो तेज़पत्ता भी आप डाल सकते हैं। इसी में हम डाल दिए हैं क्रश करके दो हरी मिर्च, ये हरी इलायची, यहाँ वीडियो ऑफ हो गया था तो हम नहीं दिखा पाए आप लोग को। अब हम डाल देंगे इसमें प्याज और इसको हम फ्राई कर लेंगे। इसी में हम डाल देंगे गाजर, गाजर भी हम हल्का फ्राई करेंगे। आप जब भी निर्जला व्रत करें ये रेसिपी ज़रूर बनाकर खाएं, गले में बहुत राहत रहता है खाने से, एकदम चिकना चिकना आराम से शुद्ध घी का स्वाद लेते हुए मज़े से अपना व्रत तोड़ें आप लोग, बनाकर खाइए तब कहिएगा कि हाँ बहुत अच्छी रेसिपी थी। इसमें अब हम इसमें डाल देंगे शिमला मिर्च और पनीर, दोनों हम साथ में ही डाल देंगे क्योंकि दोनों को हमें बिल्कुल लाइट फ्राई करना है। बिल्कुल एक जरा सा चुटकी भर हम डालेंगे हल्दी, इसमें हल्दी का ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी हल्का हम डाल देते हैं। ये बिल्कुल सिंपल एकदम सादा व्रत वाला तहरी है, ये व्रत के पारण वाला। एक टमाटर हम डाल दिए इसमें, इसी में हम डाल देंगे दो चार दाना, 8-10 दाना है काली मिर्च का, बहुत अच्छा लगता है जब दांत के नीचे आता है ये खाते समय। इसी में अब हम डाल देंगे करीब 150 ग्राम चावल है ये, इसको भी हम डाल कर फ्राई कर लेंगे इसी के साथ। चावल फ्राई हो गया अच्छी तरह से, अब हम इसको प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर आपके पास समय हो तो आप इसमें भी
बराबर चावल से दुगुना पानी डालकर इस पर ढक, एक गिलास चावल है तो आप दो गिलास पानी डालकर स्लो कुक कर सकते हैं इसको। हम इसको प्रेशर कुकर में प्रेस कर दे रहे हैं, पानी हम गर्म कर रहे हैं उसमें जल्दी से सीटी लगने के लिए, और पकता भी खिला खिला है गर्म पानी डालने से। इसी में हम डाल देंगे पानी, गर्म कर लिए हैं जितना चावल उसके जस्ट डबल हम पानी लिए हैं। अब इसको हम एक सीटी लगा देंगे मीडियम फ्लेम पर, ज़्यादा हाई पे नहीं, नहीं तो कच्चा रह जाएगा। इसमें हम डाल देंगे स्वाद के हिसाब से नमक, और कुकर को हम अब बंद कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, तैयार है स्वाद और सेहत से भरपूर, बिल्कुल फ्रेश लजीज तहरी, पनीर तहरी। तो चलिए अब हम आप लोग को सर्व कर दिखाते हैं। देखिए बिल्कुल एक एक दाना अलग अलग। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? तो आज की हमारी सिंपल व्रत के पारण की थाली है, हम शुद्ध घी में पनीर तहरी बना लिए हैं, बहुत ही यम्मी रेसिपी है। उसके साथ हम ले लिए हैं नींबू प्याज है ये, और है ये पनीर का, पनीर कैप्सिकम का बिल्कुल सिंपल सादा सब्जी, और ये है रायता, बूंदी का रायता। तो आप लोग ज़रूर मज़ा उठाइए इस लजीज व्यंजन का। तो फिर मिलेंगे हम, तब तक अगली थाली के साथ। बाय बाय, टेक केयर, और पूरी रेसिपी देखना ना भूलिएगा पूनम सिंह रेसिपी चैनल पर।